नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सतर्क, पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस ने सीएम बोम्मई को घेरा, राहुल बोले बिटकॉइन स्कैम बहुत बड़ा, कवर अप उससे भी बड़ा। आनन फानन में चाक चौबंद हुई मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था, फोन पर पूरे शहर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मणिपुर में असम राइफल्स के 4 काफिले पर हमला, कर्नल और 4 जवान शहीद, पीएम मोदी ने जताया शोक, शाह बोले व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। निशाने पर खुर्शीद, केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा हिंदुओं से ही भारत में है सेक्युलरिज्म, नहीं तो बन जाएगा पाकिस्तान। पीलीभीत में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, 24 घंटे थी लापता, कोचिंग जाने के लिए निकली थी घर से। कांग्रेस शुरू करेगी भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पद यात्रा, प्रतिदिन 80 किलोमीटर चलेगी कांग्रेस। यूपी जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई कोर्ट किया तलब। सात एक्सपर्ट्स की समिति को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल, उचित मुआवजे पर हो सकेगा भूमि अधिग्रहण। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच दूरी रखकर नहीं हो सकता देश का विकास। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत की कूटनीतिक जीत, कोयले को लेकर दुनिया को मनवाई अपनी बात। तालिबान को काबू में रखने के लिए नई साजिश में जुटा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में छोटे जिहादी समूह को दे रहा मदद। अफगानिस्तान में बढ़े बाल विवाह के मामले, 2 जून की रोटी के लिए बिक रही है मासूम बच्चियां। चीन की गलत हरकत से नाराज हुआ श्रीलंका, गुस्से में हजारों टन हानिकारक उर्वरक को लेने से किया इनकार। अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी समेत कई देशों में कोरोना का कहर, दुनिया भर में अब तक 2 अरब 52 करोड़ से ज्यादा मामले आए सामने। हर किसी को मौका मिलेगा, राहुल द्रविड़ ने अपने रूम में बुलाया, बात की और कहा फिट नहीं तो आराम करें। केन विलियम्स ने अंडरडॉग पर कहा फोकस अच्छे प्रदर्शन पर, फाइनल एक अन्य मैच की तरह है। मिताली राज ने जताई उम्मीद, मेरी यात्रा लड़कियों को उनके सपने पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। पाकिस्तान के एहसान अली ने ठोका 3 शतक, बाबर आजम भी नहीं कर सके ऐसा। फिंच का फूटा दर्द, कहा हमें वर्ल्ड कप से पहले कम आका गया, बदल डालेंगे इतिहास। कंगना रनौत के भारत की आजादी वाले बयान पर विशाल ददलानी ने निकाला गुस्सा, एक्ट्रेस को याद दिलाया भगत सिंह का बलिदान। लंबरगिनी की बोनट पर रखकर चौमिन खाते नजर आए कार्तिक आर्यन, वायरल हो रहा कार्तिक का वीडियो। आराध्या का बर्थडे मनाने विदेश निकले ऐश्वर्या, अभिषेक यूजर्स ने किया ट्रोल। सुष्मिता सेन की भतीजी का हुआ नामकरण, जियाना नाम से पुकारा जाएगा चारू राजीव की बेटी को।
राजकुमार राव ने घुटनों पर बैठकर पहनाई पत्रलेखा को अंगूठी, सामने आया वीडियो, फैंस हुए काफी खुश। 5 मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।